वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। आज मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए तीन तरीके के केक प्रीमिक्स की रेसिपी को लेकर के आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसिक वनीला केक प्रीमिक्स, साथ ही बनाएंगे रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स और सभी का फेवरेट चॉकलेट केक प्रीमिक्स। फ्रेंड्स इन प्रीमिक्स को आप आसानी से घर में बना सकते हैं और फ्रिज के अंदर 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस प्रीमिक्स से केक बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम आने वाली हमारी ये रेसिपी है, इससे हमारा बहुत सा समय बच जाएगा और जब मन चाहे आप केक एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स केक में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मेजरमेंट, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके की मेजरिंग कप की। ये 1 कप है, 1/2 कप है और 1/4 कप है। साथ ही हमें चाहिए होंगे स्पून, तो मेरे पास यहाँ पर 1/2 टीस्पून है, 1 टीस्पून है और एक हमारे पास है 1/4 टीस्पून। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स ना हो, स्पून्स ना हो, तो आप घर में मिलने वाले आसानी से ये कप हो, कटोरी हो या फिर बाउल हो, इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे घर में मिलने वाले चम्मच है, ये 1 टीस्पून है और ये 1 टेबलस्पून है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रीमिक्स को बनाना। फ्रेंड्स केक प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा हमारा केक फ्लावर। तो मैंने ये बड़ा सा भगोना ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हमारा मैदा। तो मैंने ये मेजरिंग कप ले लिया है और 3 कप भर करके मैं इसमें मैदा डालूंगी, यानी कि ऑल पर्पज फ्लावर। तो ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल हाथों से मैंने इसे भरा है, ये 2 कप और ये 3 कप। अब हम फ्रेंड्स इसमें डालेंगे 3 टीस्पून कॉर्न स्टार्च, यानी कि कॉर्नफ्लोर। टेबल स्पून नहीं लेना है फ्रेंड्स, जो छोटा वाला टी स्पून होता है वही लेना है। अब हम अच्छे से इन दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम इस सारे केक फ्लावर को छान लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें एयर आ जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने सारा केक फ्लावर को छान लिया है और हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट रेडी हो गया है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम अपना वनीला केक प्रीमिक्स। तो उसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी 1 कप हमारा केक फ्लावर। साथ ही फ्रेंड्स इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर। अगर आप मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स इससे हमारा केक बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम फ्रेंड्स लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स अलग होती हैं। बेकिंग पाउडर आपको इस तरीके के रेड डब्बे में मिलेगा और बेकिंग सोडा खुले में। तो बेकिंग पाउडर हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून, जितना कप मैदा उतना टीस्पून बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ये मेजरमेंट आप हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ साइट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सत भी कहा जाता है। इससे हमारा केक फ्लफी बनेगा, साथ ही काफी दिनों तक इसे स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स हमने सारे बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिए हैं, पर क्योंकि ये वनीला केक प्रीमिक्स है तो हम इसमें ऐड करेंगे अब वनीला फ्लेवर। तो फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून मैं इसमें वनीला फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। अब हम फ्रेंड्स मिक्सी को बंद करके 30 से 40 सेकेंड तक इसे ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए हमारा वनीला केक प्रीमिक्स एकदम रेडी हो गया है। लेकिन इसे हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसका एक स्टेप अभी बाकी है। हमें इसे होगा एक बार फिर से छानना। फ्रेंड्स छानना बहुत जरूरी है, इससे इसमें एयर भरेगी, हमारा केक फ्लफी बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। तो मैंने ये पूरा मिक्सचर देखिए छान लिया है और अब हमारा वनीला केक प्रीमिक्स एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं। मैंने ये किसान जैम की बॉटल ली है, इसको अच्छे से धो के सुखा लिया है और इसके ऊपर एक टैग लगा दिया है वनीला केक प्रीमिक्स का, और आज मैं इसी में भरकर इसे स्टोर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें इसे फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप केक प्रीमिक्स को 6 महीने तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स कुछ ही मिनटों में आपका वनीला केक प्रीमिक्स तैयार हो गया है। इस अकेले केक प्रीमिक्स को बना करके फ्रेंड्स आप कई तरीके के केक बना सकते हैं, बस आपको बनाते टाइम फ्लेवर ऐड करना होगा। तो है ना फ्रेंड्स कितना आसान तरीका। चलिए अब बनाते हैं चॉकलेट केक प्रीमिक्स। उसके लिए मैंने मिक्सर जार में फिर से 1 कप केक फ्लावर ऐड कर दिया है। 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, साथ ही 1/4 कप डालेंगे हम मिल्क पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, साथ ही 1/4 टीस्पून डालेंगे साइट्रिक एसिड। और अब हम फ्रेंड्स क्योंकि चॉकलेट केक प्रीमिक्स बना रहे हैं तो हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून भर करके कोको पाउडर, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और बस फ्रेंड्स ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल करके हम मिक्सर को बंद कर देंगे और 30 से 40 सेकेंड तक इसे ग्राइंड करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा चॉकलेट केक प्रीमिक्स भी रेडी हो गया है, अब इसको छान लेते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया छानना बहुत जरूरी है, इससे एयर आती है और हमारा केक फ्लफी बनता है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट केक प्रीमिक्स भी रेडी हो गया है। आप इसे भी किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मैंने ये किसान जैम की बॉटल ली है और इसी के अंदर मैं इसे फिल कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लीजिए, मैंने इसे पूरी बॉटल में भर लिया है। अब हम इसे अच्छे से बंद करके आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये इतने समय तक बचेगा नहीं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं हम रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स। उसके लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है। इसमें डाल देंगे हम 1 कप केक फ्लार, साथ ही 1/2 कप डालेंगे हम पिसी हुई चीनी, 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही डाल देंगे फ्रेंड्स 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, और क्योंकि ये रेड वेलवेट है तो फ्रेंड्स 1 टीस्पून इसमें डालना होगा हमें कोको पाउडर और साथ ही रेड कलर। तो मैं यहाँ पर जेल कलर यूज कर रही हूँ। इसकी 2 से 3 ड्रॉप आप आराम से डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास ये कलर ना हो तो आप बनाते समय भी इसे ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिएगा और फिर से मिक्सी को 30 से 40 सेकंड तक हम ग्राइंड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स भी रेडी हो गया है। फ्रेंड्स अभी इसमें कलर नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे इसका बैटर, तब इसमें कलर आराम से आएगा। इसे भी हम छान लेते हैं। तो मैंने ये छान लिया है और मेरा रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स भी रेडी है। चलिए इसे भी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमने आज बनाया वनीला केक प्रीमिक्स, रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स और चॉकलेट केक प्रीमिक्स। और फ्रेंड्स एक बॉटल से आप आराम से 1 पाउंड का केक बना सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब भी आपको केक बनाना होगा, इन प्रीमिक्स को यूज करके आप 2 मिनट में केक का बैटर बना लेंगे और केवल आधे घंटे में आपका केक बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि कैसे इस प्रीमिक्स को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक केक टिन तैयार कर लीजिएगा, उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, उसमें बटर पेपर लगा दीजिएगा। अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें मैं डाल दूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल, आप चाहे तो मेल्टेड बटर यूज कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप दूध, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम ले लेंगे हमारा चॉकलेट केक प्रीमिक्स। फ्रेंड्स ये 1 कप मेजरमेंट से बनाया गया है, तो ये 1 पाउंड का केक बनाएगा। तो मैं इस बॉटल को खोल लेती हूँ और अब धीरे धीरे करके हम इस मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन हमने इसे छान करके भरा था तो हमारा वो काम भी आज बच गया। और बस धीरे धीरे करके आप इसे मिक्स करते जाइएगा। मिक्सचर गाढ़ा होने लगे तो आप इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा। दूध जरूरत के हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स, एकदम से सारा नहीं डालना है। और धीरे धीरे करके ये सारा मिक्सचर का हम एक बैटर बना लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे केक का मिक्सचर से देखिए कितना प्यारा बैटर बन गया है, कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं हमारे ग्रीस किए हुए केक टिन में। तो मैंने ये सारा बैटर देखिए डाल दिया है और फ्रेंड्स इसे टैप कर देंगे और आप 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन या फिर कढ़ाई में इसे 20 मिनट तक बेक कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से हमारा ये चॉकलेट केक बन गया है। थोड़ा सा ठंडा होने पर आप इसे छुड़ा लीजिएगा, इस तरीके से फ्लिप कर दीजिएगा और देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा चॉकलेट केक बना है। पेपर को रिमूव कर दीजिएगा, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्पॉन्जी है ये। और हमने सिर्फ दूध और रिफाइंड ऑयल में इसे मिक्स किया और हमारा केक रेडी हो गया। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, इसके अंदर का टेक्सचर। तो फ्रेंड्स आपके पास जब भी समय हो आप ये केक प्रीमिक्स बना सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक अंदर से भी कट हो गया, मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा हमारा केक बन करके तैयार हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता इसे हमने केक प्रीमिक्स से बनाया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके चाहते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आप सभी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।